हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है तो हैप्पी का मतलब हैप्पी को दवा वगैरह खिलानी है। तो दवा खिलाने से पहले हम बनाने वाले थे बनाना शेक, तो मैंने सोचा चलो वीडियो की स्टार्टिंग भी यहीं से शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने दो बनाना लिए थे और इसको इस तरीके से थोड़े छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया था और थोड़ा सा मैंने मतलब एक गिलास के लगभग दूध डाल दिया है और दो ढाई चम्मच के करीबन इसमें चीनी डाल दी है, क्योंकि बिना चीनी के वे बिल्कुल नहीं पीती हैं। और वैसे बनाना तो मीठा होता है बट मैंने अपनी तरफ से डाल दिया कि मतलब पी ले, वो बर्बाद ना करे। और यहाँ पर रखी हुई थी मिक्सी जार में, हम इसको कर लेंगे। और फ्रेंड्स, बने रहिएगा ब्लॉग में, ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें, इसकी बिल्कुल भी मत करें। और एक हाथ से काम करना, दूसरे से शूट करना काफ़ी मुश्किल काम हो रहा था मेरे लिए। मैं एक हाथ से मोबाइल को पकड़ रही थी, दूसरे से कहीं ढक्कन बंद कर रही थी, कहीं प्लग को लगा रही थी, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आप लोग देखिए, यहाँ पर हमारी जो मिक्सी है वो चालू हो गई थी, तो यहाँ पे हमने बना लिया है बनाना शेक। और हम इसको ना पलट लेंगे एक लोटे में और इसको फ्रिज में लगा देंगे, क्योंकि हैप्पी अभी सो रही थी और जब इनको जगाएंगे ब्रश वगैरह करा के तब इसको बाद में मतलब नहला वहला के तभी देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गई थी शायद 9:30 का टाइम ये हो गया था और हैप्पी को दवा वगैरह सारा कुछ खिला दिया था मैंने। और हम लोगों ने भी मतलब चाय नाश्ता वगैरह कर लिया था। मैंने शेयर नहीं किया है और मैं वीडियो छोटा ही रखना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। अगर शेयर करती तो वीडियो लेंथी हो जाता। और आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो हमने अब मतलब बिल्कुल सादा ही भिंडी हम बनाएंगे। और यहाँ पर हमने प्याज वगैरह डाल दिया है और ऑयल बहुत ही कम डाला है, क्योंकि हैप्पी को ज़्यादा ऑयली खाना मतलब मना कर दिया है डॉक्टर ने कि तली भुनी चीज़ें कम ही खिलाओ। और चावल है जैसे, ये भी मतलब बिल्कुल देना नहीं है। तो हैप्पी को भिंडी की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है खाने में, तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं। तो यहाँ पे हमारी भिंडी की सब्ज़ी बन रही है और दाल बनाएंगे अरहर की। और फ्रेंड्स, रोटियाँ बनाएंगे तो वो शायद मैंने नहीं शेयर करी की नहीं है आप लोगों के साथ, और सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी ही मैंने आपको दिखाई है। और यहाँ पे अभी हमने नमक नहीं डाला है और ना अभी डालेंगे। और इसको भिंडी को अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक मतलब बिना नमक के ही पकाएँगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारी भिंडी की सब्ज़ी थी वो बन चुकी थी और इसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था, नमक थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, क्योंकि हल्दी बिना सब्ज़ी का कलर अच्छा नहीं लगता देखने में। और थोड़ा सा इसमें मैजिक मसाला डाला था। तो यहाँ पे बन चुकी है हमारी सब्ज़ी और दूसरी साइड हमने रख दिया था दूध बॉयल होने के लिए, तो ये भी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हो चुकी थी इवनिंग और शाम का टाइम था और मैं जा रही थी गांव, और मतलब ऐसे ही जा रही थी घूमने के लिए, पास में है तो हो आते हैं जल्दी जल्दी से। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे थे गांव, तो इतना मतलब अच्छा वाला मौसम हो रखा था, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। और ग्रीन ग्रीन घास थी और ऊपर बादल छाए हुए थे, तो बहुत अच्छा मतलब लग रहा था। तो जब बादल वगैरह होते हैं और ठंडी ठंडी हवा चलती है तो गाड़ी में भी मतलब जो गाड़ी में बैठने का मज़ा है वो बहुत ही अच्छा लगता है। हवा भी चलती है और गाड़ी की भी हवा ठंडी लगती है, तो बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, किस किस को ऐसा लगता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए मतलब बादल भी किस तरीके से काले काले छाए हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखो आप लोग, काले बादल और नीचे हरियाली, तो ऐसा जो मौसम होता है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बट मैंने आपके साथ शेयर किया, वो शूट कर दिया है। सो बने रहिएगा ब्लॉग में फ्रेंड्स, ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, इसकी मत करना। सो देखिए आप लोग, बादल नीचे सॉरी ऊपर काले बादल, नीचे हरियाली है, तो कितना अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो? और इवनिंग का टाइम है, मैं आई हूँ अपने ससुराल। आपको बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा, तो मैं ससुराल आई थी फ्रेंड्स, और मैंने सोचा आपसे बातें कर लेते हैं, थोड़ा काम था बस, ऐसे ही मतलब कभी कभी आ जाते हैं घूमने के लिए, पास में है तो थोड़ा जल्दी जल्दी से आ जाते हैं। तो आपको दिखाते हैं हम यहाँ पे भी हर जगह पूरी मतलब हरियाली हरियाली नज़र आएगी आपको। देखो ये लकड़ी वगैरह रखी है, वैसे खाना तो यहाँ पे गैस पे ही बनता है लेकिन फिर भी। और यहाँ पे ऊपर हमारा बरामदा बना है, गांव का है ये घर। तो अभी हमने गांव का आपके साथ शायद शुरुआत जब मैंने स्टार्टिंग की थी वीडियो बनाने की तब शेयर किया था, काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा, तो मैं बता रही हूँ ये हमारा छत का ऊपर का बरामदा है। और
ये छतें हैं, छतें तो दिख रही हैं। यहाँ का भी बड़ा ही है, ठीक ठाक है। और ये जीना दिख रहा है, इधर से जीना है। और फ्रेंड्स आपको खेत ही खेत नज़र आएंगे, देखो आप लोग। और नीचे अंधेरा इतना ज़्यादा है कि क्लियर आ नहीं रहा है। और मैं जब किसी दिन मतलब अच्छे उजाले में आऊँगी, और शाम का इवनिंग का टाइम हो गया, 7 शायद 6:30 का टाइम है, और बिल्कुल नीचे अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आपके साथ बाद में मैं शेयर पक्का करूँगी। और ऊपर थी तो ऊपर से मैंने दिखा दिया, यहाँ से ऊपर कैसा दिखता है, आप जंगल ही जंगल दिख रहा है चारों तरफ, देखो आप लोग। देखो पेड़ की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ पेड़ 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 पेड़, घर के आसपास पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखो और फ्रेंड्स गांव वगैरह में पेड़ वगैरह ज़्यादा होते हैं। और अब हमें मतलब निकलना भी है अभी थोड़ी देर में, तो आपसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे नहीं पता है, शायद ना बात कर पाऊँ आप लोगों से। तो अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और फ्रेंड्स अभी हैप्पी की तबीयत पहले से मतलब बेटर है, वैसे ज़्यादा नहीं है, पहले से वैसे ठीक ठाक है। तो आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और टाटा बाय बाय। और जो भी फ्रेंड्स चैनल पर न्यू आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है।